ये नौकरानी यहाँ कैसे पड़ी है? आरती, क्या हुआ? कुछ नहीं छोटे मालिक, वो जरा से चक्कर आ गए थे। आरती, अब तुम्हारे हाथों में इतनी जान नहीं बची कि तुम ठीक से साफ सफाई कर सको। अब तुम घर पे जाकर आराम करो और अपनी लड़की को साफ सफाई करने के लिए भेज दिया करो। छोटे मालिक, जब तक मेरे अंदर जान है तब तक मैं अपनी लड़की को काम पर नहीं भेजूंगी और उसे पढ़ा लिखा कर अच्छी जिंदगी दूंगी। लेकिन वो तुम्हारी हेल्प तो करा सकती है, इसमें दिक्कतें क्या है? नहीं मालिक, अगर मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगी तो लोगों की गंदी नजर उस पर पड़ेगी, इसलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती। वो घर पर अपनी पढ़ाई करती रहती है। चलो, इससे ये तो पता चला कि इसकी लड़की घर पर अकेली रहती है। क्या हुआ छोटे मालिक, क्या सोच रहे हो? अरे आरती, तुम क्यों उसकी पढ़ाई में पैसे बर्बाद कर रही हो? यही काम तो तुम कर रही हो और यही काम उसे करना है। नहीं मालिक, मैं ऐसी जिंदगी उसे नहीं दूंगी। मेरा एक सपना है और मेरी बेटी उस सपने को पूरा जरूर करेगी। वाह, क्या जमाना है, नौकर भी सपने देखने लगे, वो भी अपनी औकात से ऊंचे। मालिक, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। जो मेहनत करता है वो कामयाब जरूर होता है। देख लूंगा जब तेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। चल काम पे लग जा, अच्छे से सफाई करना। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? लेकिन क्यों? अरे यार, तुम कहाँ इन किताबों में घुसी रहती हो? तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेकर आता हूँ। नहीं मालिक, मुझे पढ़ना है। मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अरे यार, तुम्हारी माँ का तो दिमाग खराब है। तुम मेरे साथ चलो, किसी होटल में कॉफी पिला के लेकर आता हूँ। मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट कर मुझे पढ़ा रही है और तुम चाहते हो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे साथ मौज मस्ती करूं? अरे कौन सी दुनिया में जी रही है तू? इन किताबों में कुछ नहीं रखा, मेरे साथ रहेगी तो मौज करेगी। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही है तू और मुझे जाने के लिए बोल रही है? अगर मैंने तेरी माँ को नौकरी से निकाल दिया ना तो दोनों माँ बेटियाँ सड़क पर भीख मांगती नजर आओगी। नहीं मालिक, मेरी माँ को नौकरी से मत निकालना। तो चल मेरे साथ। मालिक प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, हमें पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है, और निकाल दो मेरी माँ को नौकरी से। हम लोग भीख मांग लेंगे लेकिन अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने देंगे। पागलपन मत कर लड़की। तुम अमीर लोग क्या समझते हो, हम लोग पैसों के लिए अपनी इज्जत से खिलवाड़ करा लेंगे? कान खोल कर सुन लो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। निकलो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेटे? माँ, घर मैंने माँ को सच बता दिया तो वो लोग मेरी माँ को काम से निकाल देंगे। नहीं, मैं माँ को सच नहीं बता सकती। बेटे तू बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है तेरे साथ, मुझे बता तो सही। कुछ नहीं माँ, बस मेरी तबीयत खराब है। बेटे पढ़ाई के समय तबीयत खराब होनी ठीक नहीं है, तू जल्दी से जा और डॉक्टर से दवाई लेके आ। माँ तू मेरी चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर दूंगी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मालिक मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपके घर का काम मेरी बेटी करेगी। ठीक है, तुम इसको घर का काम समझा कर चली जाओ। ठीक है मालिक। पैर नहीं हटेगा नौकरानी, जब तो तू बहुत अकड़ दिखा रही थी। मालिक पैर उठाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है मालिक। ये लोग ऐसी खूबसूरत लड़कियाँ नौकरानी बनके काम करने के लिए नहीं होती। अपने हद में रह के बात करो मालिक, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तुम पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, अपनी नीयत को साफ रखो। मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए मालिक, अगर इससे कोई गलती हुई है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माँ
आपको इस घटिया आदमी के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देख लिया, सुन लिया अपने कानों से, ये क्या बोल रही है मुझे? ऐसा नहीं बोलते बेटी, ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हीं के रहमो कर्मों पर तो हम जी रहे हैं। सिखाओ अपनी बेटी को कुछ और समझाओ उसे। मालिक, आज का काम खत्म हो गया है। ठीक है, तुम जा सकती हो, कल जल्दी आ जाना। मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? मालिक, मैं एक गरीब माँ हूँ, इसके बाद भी मैं अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। इंसान को हमेशा अपनी सोच ऊँची रखनी चाहिए। मालिक, अब मेरी बेटी शहर जाकर पढ़ाई करेगी, इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। मालिक, मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए, मैं आपके यहाँ काम करके सारा कर्जा चुका दूंगी। कोई बात नहीं, आप पैसे ले लो। धन्यवाद मालिक। अरे कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान गरीबी से उठकर कुछ करना चाहता है तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। मालिक, आपके पैसों का कर्ज तो मैं उतार दूंगी, मगर आपके एहसान का कर्ज पता नहीं उतार पाऊंगी कि नहीं। अगर तुम्हारी बेटी कामयाब हो गई तो समझे मेरे सारे कर्ज उतर गए। क्या बात है भैया जी, आपने मुंह उठाकर इन्हें पैसे दे दिए, इनकी औकात है भी पैसे लौटाने की? छोटे, अगर हमारी वजह से कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो इससे अच्छी बात हमें और क्या हो सकती है। मैं इन्हें किसी कीमत पर पैसे ले जाने नहीं दूंगा, इधर लाओ पैसे। ये तू क्या कर रहा है छोटे? भैया, अगर ये अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है तो खुद के दम पर पढ़ाए, हमसे पैसे क्यों मांग रही है? नहीं छोटे मालिक, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, आपका बहुत एहसान होगा अगर ये पैसे आप मुझे दे देंगे तो। नौकरानी, यहाँ से चुपचाप चली जा, अगर तू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है तो खुद के दम पर पढ़ा। तुमको शर्म नहीं आती एक महिला पर हाथ उठाते हुए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? हम अमीरों के घर में बर्तन मांज के जीने वाले लोग हो तुम, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो तुम, और हमारे सामने जीवन चला रहे हो। नालायक, तू ये कैसे भूल गया? बचपन में जब तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई थी तब इसी ने तेरा ध्यान रखा था, तुझे अपने बेटे की तरह पाला था, आज तूने उसी पर हाथ उठा दिया। हाँ तो इसमें बड़ी बात क्या है, हर नौकरानी का काम होता है अपनी मालिक की बात मानने का और उसका ध्यान रखने का। मालिक, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, मैं गरीब बेशक हूँ लेकिन अभी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं लोगों के घर में बर्तन मांज मांज के पैसे कमाऊंगी और अपनी बेटी को एक कामयाब इंसान बनाऊंगी। मालिक, अगर मुझसे भविष्य में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। चलो बेटी। अरे नालायक, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? एक देवी जैसी औरत को तूने घर से बाहर निकलवा दिया, चला जा यहां से, मैं तेरी सूरत भी देखना नहीं चाहता। यार, तेरे भाई के पास तो बहुत पैसा है, तुझे जितना लेना है ना ले ले, लेकिन मेरे भाई को पता नहीं कितना चाहिए। मैं आज रात को ही दुबई भाग जाऊंगा, वरना मुझे पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने खून किया है। वाह, क्या बात है, अपने ही घर में चोरी? भैया वो नालायक, तू ये कैसे भूल गया? इस घर में जो भी कुछ है वो सब तेरा है, तुझे कोई पैसे देने को मना थोड़ी करता है, फिर भी तूने अपने घर में चोरी की। भैया जी, मैं ये रुपये अपने लिए नहीं चुरा रहा हूँ, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, इससे गलती से खून हो गया है। तो तू मेरी मेहनत से कमाई हुई दौलत इन खूनी दरिंदों पर लुटाएगा? भैया जी, ये मेरा दोस्त है और मुझे इसको हर कीमत पर बचाना है। ऐसे खूनी हत्यारों को बचाया नहीं जाता है बल्कि पुलिस के हवाले किया जाता है। मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अबे, तेरा भाई तो पुलिस को फोन कर रहा है, ये तो मुझे फंसा देगा। अबे ये कौन है, इसने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया? नहीं, इसने यहाँ आकर अच्छा किया, अब हम आसानी से बच सकते हैं। मतलब तू पुलिस को फोन लगा जल्दी। साहब, ये खून नौकरानी ने किया है और देखो हमारी तिजोरी से रुपए भी गायब हैं। ये चोरी करने के इरादे से आई थी। नहीं साहब, मैंने मालिक को नहीं मारा है, बल्कि मेरे सामने इन दोनों ने मालिक का खून किया है। नहीं साहब, ये नौकरानी झूठ बोल रही है,
इसी ने मेरे भैया को मारा है। नहीं साहब, ये सब झूठ है। झूठ है तो तू ये बता, तू यहाँ पर जब काम ही नहीं करती तो यहाँ करने के आई है? हाँ तो बोलो तुम क्यों आई थी यहाँ पर? साहब मैं तो यहाँ मालिक से मिलने के लिए आई थी। मिलने के लिए आई थी या चोरी करने आई थी? चोरी करते हुए पकड़ी गई तो तूने खून कर दिया? ये भी नहीं सोचा तूने कि इस आदमी ने तुझे सहारा दिया? खून तुमने ही किया है, चलो मेरे साथ। नहीं। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, नाटक कर रही है। साहब ये तो मर चुकी है। क्या? अरे यार ये लोग तो अभी भी हमारे पीछे कर रहे हैं। गाड़ी यहीं रोक, गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं और जंगल की तरफ निकल लेते हैं, हम उनके हाथ नहीं आएंगे। कहाँ गए ये लोग? अभी तो यहीं थे। मैडम बाइक तो यहीं खड़ी है। इसका मतलब वो जंगल में पैदल गए हैं। हम लोग भी पैदल चलते हैं, पकड़ने में आसानी होगी। जल्दी करो। तुम लोग गिर चुके हो, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, हम इस बच्चे को यहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, और मेरा मन तो ये कर रहा है ना कि तुम दोनों का यही एनकाउंटर कर दो। नहीं, हमारा एनकाउंटर मत करो, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें एक नई जिंदगी जीने का मौका दे दो। दूसरों की जिंदगी छीनने वाला आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है? हम पर कुछ तो तरस खाओ, अगर हम कानून के हाथ लग गए तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तूने हमेशा दूसरों की ही जिंदगी बर्बाद की है, भूल गया? एक खूनी को बचाने के लिए तूने अपने भाई तक को मार डाला और इल्जाम लगा दिया मेरी माँ पर। उसी सदमे से मेरी माँ की मौत हो गई। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर भी हमें एक बार माफ कर दीजिए। मुझे तो तूने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं समझी, तूने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अबे यार तू कब तक इसके प्रवचन सुनता रहेगा? ये IAS ऑफिसर है तो क्या हुआ, ये हमें फांसी पे थोड़ी ना लटका देगी। चलो बेटा मैं तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ।